अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं सफारी पार्क पे, जो जुरैसिक पार्क बना है उसको एक्सप्लोर करने कराची में। तो चलें आप लोगों को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और पूरी रोड तक जाम है, ठीक है। बाहर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हम काफ़ी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। काफ़ी दूर हमने पार्क की है और वहाँ से हम बहुत मुश्किलों से ट्रैफिक के बीच में से पैदल चलते हुए फाइनली सफारी पार्क के अंदर आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे चल के आपको दिखाते हैं कि पार्क कैसा बना है और टिकट्स वगैरह है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है। तो हम लोग अब आपको आगे दिखाते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कराची में इसी तरह से हम लोग आप लोगों को और भी वीडियोस और भी जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा, जिसका टिकट फी बंदा 50 रुपये है। तो ये टिकट हम लेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे। तो अभी शान यहाँ से टिकट ले रहा है, फिर हम अंदर जाएंगे। और अंदर जाने के लिए भी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लाइन है। यू टर्न घूम के हमें अंदर जाना होगा। और कितने लोग बाहर जा रहे हैं और उतने ही लोग अंदर आ रहे हैं। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। चलो टिकट लेके हम एंटर हो गए। मिशेल, आ रही यार, जल्दी आओ। आजा फिर बात करेंगे। चलो तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, जुरैसिक पार्क की तरफ जा रहे हैं। अभी सफारी पार्क में हैं, सफारी पार्क के अंदर ही बना है जुरैसिक पार्क, और वहाँ पे दिखाते हैं हम किस तरह के डायनोज हैं। बंदर देखो, दिखाओ। फिलहाल यहाँ पे लगे हैं झूले और कुछ जंपर वगैरह बच्चों के लिए और पार्क में इस तरह है। अगर किसी को ज़्यादा वॉक करने का दिल चाह रहा हो तो वो सफारी पार्क आ जाए, क्योंकि यहाँ बहुत वॉक करनी पड़ती है, काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। तो अब डाइनो सफारी के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं हम लोग, और आ चुके हैं हम। हाँ, टिकट लेना पड़ेगा। लाइन देख रही कितनी लंबी है। ओहो, टिकट की लाइन तो इतनी लंबी है, और पता नहीं कितने का टिकट है, ये भी हम पता करते हैं अभी। शुजान सर, आप मालूम करके आओ कितने का टिकट है। मिशेल इज सो एक्साइटेड टू सी ऑल डाइनोस। साथ चलना पड़ेगा। तो अब हम आप लोगों को डाइनो सफारी पार्क एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों के लिए ही सिर्फ, वरना इतनी लंबी लाइन में लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। इतनी मेहनत के बाद तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर से लाइक करें। एक लाइन मुझे थोड़ी छोटी मिली है और मैं वहाँ लग गई हूँ जुरैसिक पार्क के टिकट लेने के लिए। टिकट मिल चुकी है डाइनो सफारी पार्क की, 100 रुपीज़ ईच है, और अब हम एंटर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख लें आप लोग, हम एंटर हो चुके हैं, और ये अंडे में से बेबी डाइनो निकल रहा है, ठीक है। मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखें, ठीक है। ये अंडे में से निकल रहा है डाइनो, बेबी डाइनो। It looks like real.
बिल्कुल असली लग रहा है और बहुत क्यूट और प्यारा लग रहा है जो कि अंडे में से बाहर आता हुआ दिख रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, ये इसका देख लीजिए, यहाँ इसका लगा हुआ है डायनो का और एक बिग डायनो खड़ा हुआ है जो कि मूविंग है, वो करीब जाके दिखाएंगे अभी उधर से। ठीक है, मिशेल को बुलाइए ना, इधर इधर। ये डायनोज राइडिंग है। ठीक है, ये डायनोज राइडिंग है, दे आर सो क्यूट एंड लुक लाइक रियल। दे लुक सो रियल, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि ये डायनासोर्स आ गए हैं। अचानक से देखें तो आप एकदम थोड़ा सा डर सा लग जाएगा। ड्रैगन्स हैं, दीज आर ड्रैगन्स। अरे ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मैं सजेस्ट करूंगी ज़रूर से आप लोग डायनो सफारी पार्क का विज़िट करें और अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएं यहाँ, क्योंकि रियल डायनोस तो हमने देखे नहीं तो ये मौका मिला है हम लोगों को डायनोस को देखने का कि डायनोस कैसे लगते थे। जैसे कंट्रोल कंट्रोल उदय, कैमल राइड होती है, डाइनो राइड होगी, पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। तो बहुत अच्छा अमेजिंग पार्क बना है। आओ आओ हम पे। और ये डाइनो एग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें बच्चे मस्त प्लान है। ये अंडे देखो मेरे को, मिशेल का जब तक नंबर नहीं आ रहा मिशेल को बुला लो। नहीं आयान इसीलिए तो नहीं आया, आयान ने कहा आप बैठाएंगी तो है नहीं। ज़रा मिशेल डाइनो राइड कर ले तो फिर हम लोग आपको आगे भी दिखाते हैं कौन कौन से डाइनोज हैं यहाँ पर। मिशेल का नंबर आ गया है आई थिंक सो, नहीं एक बच्चे के, और मिशेल कह रही है मैं नहीं बैठूंगी डायनासोर पे। मिशेल मिशेल, तो मिशेल बैठी हुई है डाइनो पर और इशू भी उसके साथ आके बैठ गया है। और अब शजान एक मिनट, बिल्कुल रियल डायनोज है। मिशेल आप यहाँ पे खड़ी हो ना यहाँ, क्योंकि इसके करीब जाना मना है तो इसलिए हम दूर से स्नैप। हाँ यू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बिल्कुल रियल है ना। अच्छा इधर आ गया है डायनो का स्कल और एक बिग डाइनो जो कि बिल्कुल दरख्त के ऊपर तक जा रहा है। ये बेचारे एक डाइनो का स्कल है, बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। और इधर हमें मिल गई हैं गूस डक्स, ये रियल रियल गूस डक्स मिल गई हैं। ठीक है, और ये देखिए ये वाला डाइनो सबसे मज़ेदार है जो कि बहुत ऊंचा है, ये देखें आप लोग। अच्छा एक और बिग डाइनो, बिगेस्ट डाइनो कह सकते हैं इसका, बहुत ही बड़ा है और
एक और, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं बिग डायनोज आते जा रहे हैं, लार्जेस्ट डायनोज। ओह शिट, नो, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। वो भी मूविंग है। जुरासिक पार्क नाम की जुरासिक पार्क है इसका। अच्छा, बाहर से इंपोर्ट किए हैं ये सारे डायनोज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। काफी खर्चा हुआ है भाई। क्योंकि इतना रश है इसलिए मुझे डर लग रहा है मिशेल कहीं इधर उधर ना हो जाए। ये वाला मूव करा, ये देखें, ये इसने मूव किया है। मैं काफ़ी देर से इसकी मूविंग का वेट कर रही थी। यू कैन सी ये मूव मूव कर रहा है। मेन करेक्टर ऑफ द डायनोज, ही इज वेरी ह्यूज, बिगेस्ट डायनो। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा हैं। ये वाला मूविंग नहीं है, अच्छा तो इसकी मूविंग का भी वेट करना पड़ेगा हमें। ये भी मूविंग है, थोड़ी देर बाद अपने जॉज हिलाएगा। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल माइक नहीं है तो मैं विदाउट माइक जो है वो बना रही हूँ। और काफ़ी सिक्योरिटी है, कोई भी जो है ना वो बाकी अजान के बाद खोल देंगे। ओहो, तो मगरिब का वक्फा किया है, सारे डायनोस को स्टॉप कर दिया, तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर वेट करने के बाद। जब ये मूव करेगा तो हम आपको इसको दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं जब तक। मोहम्मद सही है ना, बच्चे करो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बस आई थिंक इतना ही है। अभी सॉरी, इन्होंने बहुत देर पहले हुई थी, मेरा मोबाइल Zara!
आइनो खुल चुका है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसकी मूवमेंट भी मैं चेक कराऊंगी। चलो यार, एक मैं तुम्हारी यहाँ वीडियो बना दे रहा हूँ, मूव खोला रहा। ये कोई ओल्ड डाइन मिशल, इधर खड़ी मिशल, इधर से बड़े वाले डाइनों को दिखाना। ये बिगेस्ट डाइनो है, मेन करेक्टर ऑफ द डाइनोस। और ये देखिएगा, मैं इसको आपको फ्रंट से, सामने जाना पड़ेगा। चलो हाँ जी, तो एक और डाइनो है ये। डाइनोस गिनते रहिएगा आप लोग, कितने डाइनोस हैं। चलो आगे चलो। लाइट लगाई थी ना ये वाला। नहीं बाहर। चलो आ जाओ मिशेल, ओनली यू कैन सी एवरीवेयर डाइनोज एंड डाइनोज। That is the biggest one. Amazing. Really superb. बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई नहीं कह सकता कि ये एक आर्टिफिशियल डाइन है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और अगर ये असली होता तो अब तक हम सबको खा चुका होता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये क्यूट सा है, थोड़ा स्मॉल फेस वाला। ये जो है फ्रेंडली है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा वाला है वो ये जो है, ये ड्रैगन वाला डाइनो नहीं है, ये ह्यूमन लविंग वाला डाइनो है। सारे ड्रैगन्स होते हैं। जस्ट जोकिंग फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को पूरा डाइनो जुरैसिक पार्क हम लोगों ने आप लोगों को रिव्यू करवाया है। लोगों कैसा लगा? Wow, very amazing! प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर
अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और एक लाइक का बटन दबाने में आप लोग का कुछ भी नहीं जाता। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में मिलूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।